दो, नौकरी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना बंद करो, बंद करो, मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मैडम रुक जाइए। कैप्टन साहब ने जाना है और हम अगर इजाजत देंगे मजिस्ट्रेट साहब तो हम लोग 5 लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो जाना चाहते हैं बुला दिया जाए नीतीश कुमार जी की सरकार जो है वो दोषी है, संलिप्तता पाई गई है उनकी, तो उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आज हम लोग। दूसरी बात है कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ उजर रही हैं तो क्या उसमें उजर रही झोपड़ियों में जो हमारी महिलाएं और बच्चियां रहती हैं वो अपने तन को कैसे ढकेंगी, वो अपने आबरू को कैसे बचाएंगी, ये नीतीश कुमार से मेरा सवाल है। तीसरा है कि महिलाओं को दिन दहाड़े हमारी एक साथी हैं ये बीएड कॉलेज की निदेशिका, इनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और अभी तक प्रशासन निष्क्रिय है इस कार्य में। और बढ़ते अपराध और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे बलात्कार की घटनाएं नीतीश कुमार जी मौन, अभी देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में जो 5 बच्चियां गवाह थी वो भी गायब कर दी। क्या मांग क्या है आप लोगों की, क्या मांग है कि नीतीश कुमार जी इस्तीफा दें और जिनको जितनी भी महिलाओं पर अपराध हुए बलात्कार हुए उन सभी को सजा दी जाए और झुग्गी झोपड़ी जो उजाड़ रहे हैं उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।